गाजियाबाद में मोहन मेकिंग लिमिटेड मजदूर सभा ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूर सभा से जुड़े लोगों का कहना है कि कंपनी प्रशासन अत्याचार, दंडनात्मक कार्रवाई एवं दुर्व्यवहार की नीति अपनाते हुए मजदूरों का शोषण कर रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में भी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी गरीब मजदूरों की मदद करता दिखाई नहीं दे रहा। इस संबंध में मोहन मेकिंग लिमिटेड मजदूर सभा के पदाधिकारी दिनेश पुरी ने बताया कि कंपनी प्रशासन लगातार मजदूरों का उत्पीड़न कर रहा है। बिना कारण बताए 25 से अधिक मजदूरों को निकाल दिया गया। जब मजदूर सभा के लोग दैनिक भत्ता, चिकित्सा जैसी सुविधाओं की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। महिला कर्मचारी ने बताया कि उसको भी बिन बताए ही नौकरी से निकाल दिया गया। जब वह इस संबंध में पूछताछ करने कंपनी पहुंची, तो वहां पर मौजूद गार्ड ने न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि मारपीट करते हुए उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इसकी शिकायत लेकर जब सपना पुलिस चौकी पहुंची, तो पुलिस ने भी उसे घर जाने की सलाह देकर वहां से रवाना कर दिया। सर, मैं गेट पे गई थी पूछने के लिए अपनी ड्यूटी के बारे में, और कई वर्षों से हमें ड्यूटी से बाहर निकाल रखे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फट गए और मेरी सैंडल तक भी गेट के अंदर ही रह गई। मैं अपनी जान बचा के अपनी इज्जत में वहाँ से भागी। सब आदमियों को इन्होंने दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कोई आरोप में फंसा फंसा करके सबके साथ बाहर किया हुआ है या कुछ ड्यूटी कर रहे हैं, और हमें इतनी तकलीफें बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, जिसका हमने बार बार सेवर श्रम विभाग, जिला अधिकारी सब जगह कर दिया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हो आप, क्या हुआ है आपके साथ? हम चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए, मजदूरों की नौकरी जो चली गई है उनको नौकरी पर रखा जाए, और जो श्रम विभाग में देते हैं बिल्कुल भी सुनवाई नहीं, और सिर्फ भ्रष्टाचार के इतने लिप्त हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको, कागज मेरे पास सारे रखे हुए हैं, दिखाएंगे तो आप मतलब पट को भी हैरान हो जाएंगे।